नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी इस किचन में। आज मैं शेयर करूंगी कच्चे आम के मुरब्बे की रेसिपी, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो कच्चा आम लिया, उसको मैंने अच्छे से धो लिया, उसको मैंने छील लिया और उसकी गुठली मैंने हटा दी है। तो करीबन 600 ग्राम कच्चा आम मेरा ये रह गया है। अब मैं इसे कट करूँगी, तो जैसे भी आपको पसंद हो मुरब्बा बनाने के लिए आप इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे लेंथ वाइज कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको लेंथ वाइज कट करके दो पार्ट्स में भी इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो सारे आम को मैं कट कर लूँगी। तो सारा आम ये देखिए मेरा कट हो गया, मैंने इसे लेंथ वाइज इस तरीके से कट किया है। थोड़े थिक पीसेस रखें इसके आप। अब जिस कढ़ाई में इसको हमें बनाना है उसी में मैं डाल दूंगी इस आम को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आम आपके कितने खट्टे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें चीनी डालिए। तो आम और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इस तरीके से ही इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से चीनी सारी हमारी मेल्ट हो जाएगी अपने आप, उसके बाद इसे हम पकाएंगे। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो इस मुरब्बे में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच मगज, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, थोड़े से छुआरे और 2 ली है मैंने छोटी इलायची। मगज यानी खरबूजे या तरबूजे के बीज। पहले हम छुआरे को छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे या फिर कट कर लेंगे। तो ये देखिए छुआरे मैंने कट कर लिए हैं छोटे पीसेस में, इन सबको हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमने गैस बिल्कुल पकाया नहीं है इसे, पर ऐसे रखने से ही मेल्ट हो गई है। अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है और मैं गैस को ऑन कर दूँगी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं छुआरे, इनको आप शुरू में ही ऐड कर दीजिए आम के साथ, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं, आम के साथ ये पक जाएंगे और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए चाशनी में उबाल आ रहा है, इसको हमें इसी तरीके से पकाना है। चलाते रहेंगे इसे बीच बीच में और गैस को मीडियम हीट पर रखेंगे। अब मैंने इसमें डाल दी है इलायची। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मगज और सौंफ। इसे डालने से कच्चे आम के मुरब्बे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 8 से 10 साबुत काली मिर्च और इस मुरब्बे को हम मीडियम टू लो हीट पर ही पकाएंगे। 1/2 चम्मच डाल दिया है मैंने काला नमक, इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे हम पका लेंगे, जैसे कि चाशनी हमारी हल्की थिक हो जाए। तो इस मुरब्बे को तैयार होने में यानी पकने में करीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए आम का मुरब्बा हमारा तैयार हो गया है, चाशनी भी काफ़ी थिक हो गई है इसकी। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी अच्छे से। ठंडा होने पर ही इसे आप ग्लास की बॉटल में भरें, गरम गरम ना भरें और इसको ढक्कन लगाकर ना रखें, क्योंकि ढक्कन लगाने से ढक्कन पे मॉइस्चर आ जाएगा, अगर वो इसमें चला गया तो मुरब्बा हमारा ख़राब हो सकता है। तो मैं इस जाली वाले ढक्कन से ढक दूंगी। इस मुरब्बे को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कुछ बातों का आप ध्यान रखें, जैसे कि इसे एकदम ड्राई बॉटल में ही स्टोर करें और इसे निकालते या रखते समय आप इसमें गीला चम्मच या फिर गीला हाथ ना डालें, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो तैयार है हमारा कच्चे आम का मुरब्बा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।